हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसमें ये पार्ट जो है लंबर स्पाइन का पार्ट है। अब समझना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे मन के होते हैं, ये हमारे कुशन्स होते हैं जिनको हम डिस्क बोलते हैं। आपने देखा होगा डिस्क के बिल्कुल पीछे हमारी नस निकल रही है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से बाहर को आती है। अब जब भी हम कोई बहुत वजन वाला सामान उठा लेते हैं एकदम से, जैसे अपना कोई एकदम से ट्रंक उठा लिया या फिर कोई सिलेंडर उठा लिया, प्रॉपर पोस्चर अगर नहीं करते, या जिम में अक्सर हम प्रॉपर वार्म अप नहीं करते और एकदम से हैवी वेट उठा लेते हैं, तो ये डिस्क अपनी जगह से स्लिप कर जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ से अगर स्लिप करके पीछे सीधे नस को दबाना शुरू कर देगी, जिसको हम कुछ नहीं स्लिप डिस्क बोलते हैं, कॉमन भाषा में इसको स्लिप डिस्क भी बोला जाता है। अब इसके कई ग्रेड्स होते हैं, कई जगह पे सिर्फ नस को टच कर रही होती, कई बार थोड़ा दबाव डालती, कई बार कंप्लीटली उसको कंप्रेस कर रही होती है। इसकी जानकारी एक्सरे नहीं देता है, इसकी जानकारी हमको एमआरआई में मिलती है, जिसकी वजह से हमको, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी न्यूरोसर्जन के पास जाएंगे, वो आपकी सीवियरिटी को देख के एमआरआई की रिक्वायरमेंट है या नहीं है उसके बारे में आपको बताएगा। अब जब एक बार हमको पता लग जाता है कि डिस्क है यानी डिस्क बल्ज हो रखा है, तो इसके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इससे जब भी डिस्क बाहर निकलती है तो उस नस को वो थोड़ा थोड़ा दबाना शुरू कर देती है, जिसके कारण कई बार जो वो नस का एरिया होता है उस जगह पे दर्द जाती है, जिसको हम कॉमनली सियाटिका बोलते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह पैरों के अंदर चली जाती है। दूसरा ये होता है कि अगर नस पे थोड़ा ज़्यादा दबाव हो रहा है तो वो नस के जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन को नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो सुन होने लग जाता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस एरिया में सुनपना आ गया है, या उस एरिया पे गर्म या ठंडे का पता ही नहीं लग रहा, हम नहा रहे हैं हमको पता ही नहीं लग रहा उस तरफ पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है। तीसरी ये चीज़ है, कई सीवियर केस के अंदर हमारे पेशाब या लैट्रिन का कंट्रोल भी जा सकता है। ये सीवियरिटी आपके डॉक्टर साहब, आप जब आप मिलते हैं तब आपको वो अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है स्लिप डिस्क के दौरान, कि 90% चांसेस होते हैं कि हम स्लिप डिस्क को विदाउट एनी ऑपरेशन ही ठीक कर सकते हैं, यानी 90% हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ ही कमर की दर्द या फिर माइल्ड डिस्क बल्ज जिसको हम बोलते हैं उसको ठीक कर सकते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी और दवाइयों का काफ़ी अच्छा रोल पाया गया है। सिर्फ 10% केसेस में ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आजकल के जो आज के दौर में माइक्रोस्कोप एंडोस्कोप के वजह से जो सर्जरीज परफॉर्म की जा रही है, जिसमें हम छोटा जो हिस्सा जो दबाता है नस को उसको हम निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉम्प्लिकेशंस आजकल की सर्जरीज में पाए गए हैं।